हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग टाइम। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ठेकुआ की रेसिपी, जो कि बिहार की ट्रेडिशनल रेसिपी है और ये छठ पूजा में बनाई जाती है। इसको हमने बची हुई मिठाइयों की बची हुई चाशनी से बनाया है, तो ये रेसिपी आप घर पर ज़रूर ट्राई कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ठेकुआ हम बनाएंगे सूजी से, जिसके लिए हमने एक कटोरी सूजी ले ली है, एक कटोरी मैदा ले लिया हमने, थोड़ी सी किशमिश और थोड़ी सी पिसी हुई गरी डाल देंगे हम इसमें, थोड़ी सी कटी हुई गरी भी हम इसमें डालेंगे। अब 2-3 चम्मच हम ऑयल डालेंगे, जिससे हम इसका मोमो लगा सकें। और हम अच्छे से लगाएंगे ताकि हमारे ठेकुआ जो सॉफ्ट बने। देखिए, मोहन हमने इसमें अच्छे से लगा लिया है, और सूजी और मैदा देखिए आपस में अच्छे से बाइंड हो रहा है हमारा। आप चाहें तो इसमें पीसी चीनी भी डाल सकते हैं, लेकिन हम चाशनी से इसका एक मटेरियल तैयार करेंगे। तो देखिए, हमने चाशनी ले ली, इसका हमें डो नहीं तैयार करना है, इसे बस हम ऐसे ही मसल मसल कर तैयार करेंगे ताकि आपस में बाइंड होने लगे। देखिए, आपस में बाइंड हो रहा है। अब इसको हम ठेकुए का शेप देकर तैयार करेंगे। हम थोड़ा सा लोई लेंगे, उसको अच्छे से मिलाएंगे पहले आपस में, उसका हाथों से उसको थोड़ा लंबा लंबा करेंगे। आप ठेकुआ का शेप जो भी देना चाहें दे सकते हैं। इसको दोस्तों हम थोड़ा सा लंबा लंबा बनाएंगे। अब इसको हम फोर्क की सहायता से थोड़ा सा डिजाइन देंगे। आपके पास अगर ठेकुआ का सांचा है तो आप उससे भी बना सकते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे कितने अच्छे से डिजाइन आ गई है। आपके पास अगर ठेकुआ का सांचा है तो आप उससे भी बना सकते हैं, और आप इसको कोई भी शेप दे सकते हैं, गोल या लंबा। तो चलिए इसी तरह हम सारे ठेकुआ बना लेते हैं। देखिए, हमने सारे ठेकुआ बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब चलिए हम गैस पे कढ़ाई रखते हैं इनको तलने के लिए। तो दोस्तों देखिए, हमने तेल रख दिया है, अब ये गर्म हो जाए तब फिर इसमें हम ठेकुआ डालते हैं। तेल देखिए हमारा गर्म हो गया, अब इसमें हम ठेकुआ डालेंगे। गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे। दोस्तों, 1-2 मिनट हम इसको ऐसे पड़ा लेंगे, उसके बाद पलट देंगे। तो चलिए पलट देते हैं। तो दोस्तों देखिए, ठेकुआ हमारे दोनों तरफ अच्छे से पक गए हैं, इनको चलिए निकाल लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, हमारे सारे ठेकुआ बनकर तैयार हैं। इनको हमने सूजी से बनाया है, आप चाहे तो आटे से भी बना सकते हैं। और इस बार छठ पूजा में आप ये सूजी के ठेकुआ ज़रूर ट्राई कीजिए। थैंक यू।